हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपको कॉमेक्स गोल्ड XAU USD का शॉर्ट टर्म ट्रेंड बताने आया हूं, जो कि फुल्ली शॉर्ट शॉर्ट है हमारे इन हाउस टेक्निकल डिपार्टमेंट का अच्छी तरह से देखा हुआ ट्रेंड है। तो आइए चल के देखते हैं कि क्या चल रहा है गोल्ड में। जैसा कि आप देख रहे हैं, कॉमेक्स गोल्ड इस समय 1817 पर चल रहा है और इसका जिसने जो अपर रेजिस्टेंस अपना बना रखा है वो बना रखा है 15 जुलाई का 1834, इसलिए इसका अपर रेजिस्टेंस है। बट जो आपके चैनल्स हैं वो लॉन्ग टर्म का चैनल वो इसका बुलिश है, बट जो इसका आपके शॉर्ट टर्म का चैनल हो रहा है वो स्ट्रेट है और थोड़ा डाउन साइड दिख रहा है। और ये 4 घंटे के टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज की लाइन से नीचे ट्रेड कर रहा है काफ़ी समय से कम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 कैंडल्स, मतलब कम से कम 40 घंटे से ये 200 मूविंग एवरेज नहीं काट पा रहा है। तो इसके लिए हम जो हैं क्या करेंगे, ये इसका जो हाई है 1834, इसका SL रखेंगे 1836 के आसपास, ऑलमोस्ट यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम इसको सेल करेंगे मिनिमम टारगेट के लिए 1753, जो कि आएगा यहाँ पर, ठीक है। और अभी क्या होगा, ये एक दो स्पाइक ले सकता है ऊपर की तरफ और बट ये आएगा नीचे ही, बिकॉज द फिबोनाची जो है वो इसका यहाँ पे स्ट्रेट हो गया है और इसका जो टारगेट दिखा रहा है एज़ पर द फिबोनाची वो 752 के आसपास दिखा रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 752-753 के आसपास जाएगा, जो कि इसका लास्ट लो था 1750, तो ये उस लो के आसपास आएगा और उसके बाद ये हो सकता है ऊपर चला जाए। अदरवाइज़ अगर ये 1750 का लेवल काट देता है तो फिर आप इसको 1650 के आसपास मान सकते हैं। ये देखिए डेली ट्रेंड में क्या हुआ है, ये इसने वहीं हाई लगा रखा है और ये लो रखा है, इसका टॉप रेंज है, ये इसका बॉटम रेंज है, ठीक है, वही 1750 के आसपास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए इसको 1834 का से ऊपर का SL रख के सेल करेंगे 1753 या 1752 के टारगेट के लिए, और ये टारगेट आपको विद इन अ वीक मिल सकता है। अगर आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट्स करके बताइए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको शॉर्ट सिंगल इंट्राडे टिप्स जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा, अगर आपने ढंग से इस चैनल को सब्सक्राइब करा और लाइक करा।